मतदाता लगातार पोलिंग स्टेशनों पर आ रहे हैं, लेकिन अभी जो धूप का गर्मी हुई है और दोपहर का समय है, ऐसे में मतदाता काफी कम संख्या में उपस्थित हुए हैं, लेकिन जो मतदाताओं का रुझान है वो काफी अच्छा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में मतदाता काफी रुझान में है और ये कहा जा सकता है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में तमाम लोग भागीदारी बनना चाह रहे हैं और तमाम लोग ऐसे एक प्रयत्न कर रहे हैं कि लोकतंत्र का जो महापर्व है उसको अधिक से अधिक संख्या में किस तरह से बढ़ाया जाए और किस तरह से तमाम बातों को की जाए। एक तरह से कहा जाए, आपने मतदान प्रतिशत पूछा है तो हमने अभी इस बूथ पर हम जहां पर खड़े हैं वहां पे लगभग 35% का आंकड़ा पहुंच चुका है और तमाम लोग हैं हमारे साथ, उनसे ही जानते हैं कि क्या कुछ यहां पर आप लोग देख के वोट दे रहे हैं। आप लोग किस आधार पर वोट दिए हैं और क्या कुछ लगता है? कैंडिडेट के आधार पे वोट दे रहे हैं। अभी तो अभी हम लोग का ये नगर निकाय का चुनाव है तो बढ़िया जो कैंडिडेट है उसी को हम लोग वोट देने की कोशिश कर रहे हैं और सारा सिस्टमेटिक वोट हो रहा है। क्या किन मुद्दों पे आप लोग वोट दे पा रहे हैं? मुद्दों पे यहाँ पे जो सबसे बढ़िया काम करेंगे हम लोग, पानी बिजली सब समस्या है उसको देख कर ही हम लोग वोट देंगे, उसको जो सुधार कर सकता है उसी के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। अनुराग, महिलाएं कतार में लगी हुई हैं, महिलाओं से जानते हैं, महिलाएं काफी संख्या में यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे ही जानते हैं कि किस आधार पर आप लोग वोट दे रहे हैं, क्या आधार है? हमको तबीयत ठीक नहीं, हमने ये लोग वोट दे रही हैं, आप किस आधार पर वोट दे रही हैं बताइए, वोट के लिए आप लोग हैं? क्या क्या आधार है वोटिंग का? वोट देने आए हैं, पता नहीं पास सर का जो बताते हैं, क्या चाहते हैं वोट, वोट देकर क्या करना चाहते हैं? आप जो कर सके, आप लोग तो ऊपर में हैं, हम लोग तो यही सोचेंगे, आप लोग अच्छा बनाइए, हम लोग को भी, हम लोग भी खुश लगेगा।